मेरी जान, सबसे ज्यादा जो अभी प्रॉब्लम आ रहा है न्यू फेसबुक क्रिएटर को, उन सारे लोगों के बाद जैसे मोनेटाइजेशन के ऊपर क्लिक करता है, यहाँ पे देख सकते हैं कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी इशू। दोस्तों इस पॉलिसी इशू को आप लोग कैसे रिमूव कर सकते हैं, कैसे हटा सकते हैं, वो भी दोस्तों मैं बताऊंगा इस वीडियो को एंड होने से पहले। पहले दोस्तों आप लोगों को सब कुछ समझ में आ जाएगा कि ये दोस्तों कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी क्यों आता है और इसको आप लोग कैसे हटा सकते हैं, बिल्कुल लाइव प्रूफ करके मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप किए दिखेगा और चैनल पर समय तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले देखिए मेरे पास जो यहाँ पे दोस्तों कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी इशू है वो दोस्तों इनस्ट्रीम एड के ऊपर है और ये मेरा एक फेसबुक पेज है सिंपली देखिए। और यहाँ पे देखिए मेरे पास 5000 फॉलोवर्स कंप्लीट नहीं है और उसके बाद दोस्तों 60000 वॉच मिनट भी कंप्लीट नहीं है। लेकिन कई सारे मेरे भाई लोग हैं जिनके पास दोस्तों 5000 फॉलोवर्स भी कंप्लीट है और उसका 60000 मिनट का जो भी वॉच टाइम होता है वो भी कंप्लीट है ओनली 260 डेज के अंदर। फिर भी उन लोगों के पास जैसे ही दोस्तों यहाँ पे इनस्ट्रीम एड के ऊपर आप लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों के सामने दोस्तों यहाँ पे सेटअप वाला ऑप्शन आना चाहिए लेकिन यहाँ पे लर्न मोर ही शो करता है। फिलहाल देखिए यहाँ पे मेरा जो कि कंप्लीट नहीं हुआ है, जो भी दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है फेसबुक मोनेटाइजेशन का वो मेरा पूरा नहीं हुआ है, जिसके कारण मेरे पास दोस्तों वहाँ पे कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी आया। और ये सबसे ज्यादा पता किन लोगों को आता है, जो लोग भी कॉपी पेस्ट करता है, और जिन सारे लोग भी कॉपी पेस्ट करता है उन सारे लोगों को इस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों जब तक आप लोग कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी को सही नहीं करोगे तब तक आप दोस्तों इनस्ट्रीमेट के जरिए से कोई भी पैसा नहीं कमा सकते हो। लेकिन आज की इस वीडियो बताने वाले आप लोग इसको बिल्कुल दोस्तों एक झटके में हटाने वाला हूं। उससे पहले अभी तक वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। देखिए सबसे पहला काम आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को ज्यादा लॉन्ग नहीं करूंगा, बिल्कुल दोस्तों छोटा वीडियो बनाऊंगा ठीक है, और सब कुछ दोस्तों बताऊंगा और बारीकी से इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी वीडियो देखने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं होने वाला है। सिंपली दोस्तों जो भी फेसबुक पेज या फिर प्रोफाइल में आप लोग काम करते हैं जहां पे फेसबुक कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी आ रहा है, सिंपली क्या करना है आप लोगों को कुछ इस तरीके से आएगा। यहां से दोस्तों आप लोग क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है ठीक है। तो यहां पे दोस्तों फिलहाल मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूं। देखिए यहां से मेरा स्क्रीनशॉट हो गया है। उसके बाद देखिए अब आप लोगों को क्या करना है, आपने कई बार फेसबुक को रिपोर्ट भी कर दिए होंगे फिर भी कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी नहीं हटा है ना, तो आज के इस वीडियो से एक बार मेरी बातों को सुन लीजिए और ध्यान से इसको अप्लाई कर लीजिए, 100% आप लोग को कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी हट जाएगा उसके मैं गारंटी लेता हूँ। अगर नहीं हुआ तो दोस्तों आप लोग मुझे टेलीग्राम में जाकर के ज्वाइन करके बता सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम में बता सकते हैं दोस्तों, मैं उसके बाद खुद आपके फेसबुक पेज को मोनेटाइज करके दूंगा, इस बात का मैं खुद गारंटी लेता हूँ ठीक है। तो क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले आपका फेसबुक पेज या फिर जो भी प्रोफाइल है उसका क्या करना है, आप लोगों को स्क्रीनशॉट ले लेना है। उसके बाद यहाँ से आप लोगों को बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आप लोगों को क्या करना है भाई साहब, आपका जो भी फेसबुक पेज या प्रोफाइल है उसको ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे देखिए आप लोग जो भी वीडियो या फिर जो भी रील अपलोड किए हैं ना, सिंपली जितने सारे वीडियो को कॉपी पेस्ट किए थे उन सारे वीडियो को आप लोगों को दोस्तों डिलीट कर देना है। एक भी वीडियो को आपका फेसबुक पेज या फिर प्रोफाइल में नहीं रहने देना है, सारे वीडियो को दोस्तों बिल्कुल डिलीट कर देना है। बिल्कुल ध्यान से सुनिए, कोई भी वीडियो यहाँ पे नहीं रहना चाहिए कॉपी पेस्ट वाला। वीडियो डिलीट कर दिए उसके बाद अब आप लोगों को क्या करना है दोस्तों, कंटिन्यू मैक्सिमम दोस्तों आज आपने वीडियो को अपलोड कर दिया उसके बाद दोस्तों 2 से 3 दिन के बाद आप लोगों को कंटिन्यू दोस्तों कम से कम 5 से 10 लाइव जाना है। कितना लाइव जाना है अभी देखिए ध्यान से बताऊंगा, अभी इसके बाद भी आप लोगों का काम बाकी है, तब जाके दोस्तों आप लोगों का कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी हटने वाला है। तो सारे वीडियो को सबसे पहले डिलीट करना है, उसके बाद दोस्तों 3 से 4 दिन के बाद आप लोगों को कंटिन्यू 1 सप्ताह तक दोस्तों लाइव जाना है। और लाइव में दोस्तों कुछ ऐसा इधर उधर की चीज़ें भी नहीं दिखाना है, सिंपली आप लोगों को क्या करना है लाइव में दोस्तों आपका जो खुद का फेस है वो दिखना चाहिए। और दोस्तों आप लोग उसमें भले कुछ भी करें या फिर ऐसे कैमरा को ऑन करके छोड़ दे लाइव में, बस वहाँ पे कोई बातचीत करना हो नहीं करना हो कुछ भी करना हो, लेकिन लाइव में दोस्तों आपका खुद का रियल का जो भी पेज आप यूज़ करते हैं उसमें आपका खुद का फेस वैल्यू होना चाहिए लाइव में, इस बात को ध्यान से समझ लीजिए। और वो लाइव दोस्तों मैक्सिमम आप लोगों का 8 से 10 मिनट का होना चाहिए और कंटिन्यू 1 सप्ताह तक आप लोगों को लाइव जाना है। सारे वीडियो को डिलीट करने के बाद 1 सप्ताह तक दोस्तों आप लाइव चले गए, उसके बाद दोस्तों आपने वीडियो को भी डिलीट कर दिया, उसके बाद दोस्तों 1 सप्ताह के बाद आप लोगों को क्या करना है, आपका जो भी फेसबुक पेज या फिर प्रोफाइल है सिंपली आप लोगों को जिस तरीके से ओपन कर देना है, सबसे ऊपर राइट कॉर्नर पे क्लिक कर देना है और यहां पे आप लोगों को नीचे आ जाना है हेल्प एंड सपोर्ट के ऊपर।
हेल्प एंड सपोर्ट के ऊपर आने के बाद यहाँ पे सिंपली आप लोगों के सामने कई सारे ऑप्शन आ जाता है। अच्छे आ जाना है, रिपोर्ट या प्रॉब्लम जहाँ पे आ रहा है सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे अब आप लोग देख सकते हैं, इसको ओके कर सकते हैं। ओके करोगे तो आप लोगों को रिटर्न बैक कर देगा, फिर से उसके ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ पे नीचे में देख सकते हैं कंटिन्यू टू रिपोर्ट या प्रॉब्लम जहाँ पे लिखा हुआ है इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब यहाँ से आप लोगों को क्या करना है, थोड़ा सा वेट कर लेना है और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे इंक्लूड के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके से पेज खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, गलती नहीं करना है, चाहे आपके पास फेसबुक पेज हो या फिर चाहे आपके पास फेसबुक प्रोफाइल हो, तो सिंपली आप लोगों को क्या करना है, अगर आपने अपने प्रोफाइल को पेज में कन्वर्ट किया है ना, तो सिंपली आप लोगों को यहाँ पे पेज सिलेक्ट करना है, और अगर आपका पेज हो फिर भी आप लोगों को पेज ही यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। यहाँ पे आप लोगों के सामने ऑलरेडी एक स्क्रीनशॉट आ जाएगा, इसको हटा देना है। जो दोस्तों आपने प्रोफाइल का स्क्रीनशॉट लिया था, सिंपली कुछ इस तरीके से आपका स्क्रीनशॉट यहाँ पे टच कर देना है। टच करने के बाद यहाँ पे दोस्तों अब आप लोगों को यहाँ पे फेसबुक को रिपोर्ट करना है। देखिए, जो भी मेरे भाई वीडियो को स्किप करके यहाँ पे आए हैं, मैंने जो भी दोस्तों उधर बताया वीडियो के दोस्तों बीच में या फिर दोस्तों स्टार्टिंग में, अगर वो दोनों क्लिप जो दोनों चीजों को अगर आप लोग नहीं करते हैं, तो दोस्तों फिर आप लोगों का कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी से नहीं हटेगा, उसके मैं गारंटी लेता हूं। अगर आपने पहले वो दोनों काम जो मैंने दोस्तों वीडियो के बीच में या फिर दोस्तों स्टार्टिंग में बताया, वो दोनों काम को करते हैं, उसके बाद जब ये तीसरा काम करोगे, तब आपके पास दोस्तों फेसबुक टीम दोस्तों तुरंत एक्शन लेगा और 24 घंटे के अंदर आपका कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी हट जाएगा और स्ट्रीम एड में दोस्तों आप लोगों का सेटअप वाला ऑप्शन आ जाएगा। अभी के यहाँ पे आप लोगों के सामने आ जाएगा स्क्रीनशॉट। सिंपली दोस्तों अब आप लोग क्या कर लिखना है यहाँ पे, तो मैंने दोस्तों पहले से लिख के रखा हूँ, सिंपली यहाँ पे मैं उसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ जो कि मैंने दोस्तों नोटबुक में इसको सर्च कर लिख के रखा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों मेरे पास आ गया नोटबुक, सिंपली इसके ऊपर क्लिक करूँगा, यहाँ पे मैं पढ़ के सुना देता हूँ। सिंपली आप लोग इसको सीधा दोस्तों कॉपी करके आप लोग भी पेस्ट कर सकते हैं। हाई फेसबुक टीम, सिंपली हाई फेसबुक लिखा हूँ, आई फॉलो ऑल फेसबुक कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी एंड आल्सो लाइव इन कंट्री दैट्स एलिजिबल फॉर परफॉर्मेंस इन स्ट्रीम एड, बट माई फेसबुक अकाउंट प्रोफेशनल मोड इन स्ट्रीम एड इज नॉट शोइंग, प्लीज़ रिव्यू माई फेसबुक अकाउंट एज सून एज पॉसिबल। इतना लिख देना है, उसके बाद आपका जो फेसबुक पेज है दोस्तों, सिंपली क्या करना है, उसका जो लिंक है उसको भी कॉपी कर लेना है, फेसबुक पेज का लिंक। ठीक है, कैसे कॉपी किया जाता है अगर नहीं आता है तो आप लोग मुझे कॉमेंट कर देना। फेसबुक का जो भी दोस्तों प्रोफाइल या फिर पेज है उसका दोस्तों आप लोगों को लिंक जो है उसको कॉपी कर लेना है और यहाँ पे आप लोगों को इसके साथ ना उसको भी टच कर देना है। सिंपली मैं सबसे पहले इसको कॉपी कर लेता हूँ, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैं इसको फेसबुक के पास रिपोर्ट कर देता हूँ, कर दिया। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को वीडियो को थोड़ा सा स्किप करना है और यहाँ पे दोस्तों माई फेसबुक क्या करना है, माई फेसबुक पेज, ठीक है, माई फेसबुक पेज लिंक कुछ इस तरीके से लिख देना है और यहाँ पे आप लोगों को उस लिंक को डाल देना है और यहाँ से आप लोगों को सेंड रिपोर्ट वाला ऑप्शन है, सिंपली यहाँ से सेंड रिपोर्ट कर देना। बस दोस्तों इतना ही काम करना है आप लोगों को, अगर दोनों स्टेप को कर लिया उसके बाद तीसरा स्टेप जो कि मैंने लास्ट में बताया, ये तीनों स्टेप को कर लेते हैं दोस्तों, 24 घंटे के अंदर आप लोगों का कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी हट जाएगा और आप लोगों को दोस्तों इन स्ट्रीम एड में या फिर दोस्तों एडसाउंड रील जो भी यूज़ करते हैं उसके ऊपर भी दोस्तों अगर आप लोग सेटअप वाला ऑप्शन नहीं आता, आप लोग ये साइड वाला वीडियो देख सकते हैं कि इन स्ट्रीम एड कैसे आप लोग सेटअप कर सकते हैं। 24 घंटे के अंदर दोस्तों आप लोगों का फेसबुक कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी हट जाएगा और इन स्ट्रीम एड में दोस्तों आप लोगों का सेटअप वाला ऑप्शन आ जाएगा। बाकी दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।